सलाम नमस्ते वनकम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉइन्स में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या वो वायरलिटी है, क्या वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, और क्या वो चीज़ें हैं जिसके वजह से हमको कॉइन्स में प्राइस बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें यहाँ पे, हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन का, बेबी डोज कॉइन का और बिटगट कॉइन का। इन तीनों के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है, अगर हम होल्डर्स के बारे में बात करें, अगर हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो इन्हीं कॉइन्स में है। इसी के चलते हम इन कॉइन में बात करेंगे कि क्या इनका प्राइस जो आने वाला टाइम में जिस हिसाब से आपने थंबनेल पे देखा है उस हिसाब से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए क्रिप्टो केबल का, यहाँ पे क्रिप्टो केबल ऑफिशियल यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे फास्ट और सबसे तेज़ से जो भी न्यूज़ आता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो हम यहाँ पे देने का प्रोवाइड करते हैं। आलतू फालतू न्यूज़ नहीं देते, इंपॉर्टेंट सभी न्यूज़, इंपॉर्टेंट सभी अपडेट्स हम तुरंत यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जो भी पेड ट्रेड लेते हैं वो हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी से ज्वाइन करके रखना मतलब अनिवार्य है। आने वाले टाइम में शायद वो पेड हो जाए, तब तक के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो पहले ज्वाइन होंगे उनके लिए फ्री रहेगा हमारा चैनल ऑल टाइम लाइफ टाइम के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली शिबा इनू कॉइन के बारे में, यहाँ पे देखिए शिबा इनू कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसमें होल्डर्स जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है, और इसका विश लिस्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लाख, यहाँ पे 18,02,685 यहाँ पे विश लिस्ट पे इसको ऐड करके रखा हुआ है लोगों ने। अगर हम सेम बेबी डोज कॉइन के बारे में बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3,74,000 लोगों ने यहाँ पे इसको विश लिस्ट पे ऐड करके रखा हुआ है। तो ये कॉइन बेबी डोज कॉइन, या अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन, इन कॉइन्स का होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा है, वायरलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए इन कॉइन्स का प्राइस इंक्रीज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मार्केट में ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि मार्केट में कॉइन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्निंग। अभी अगर होल्डर्स इंक्रीज नहीं होंगे और उधर से आप बर्निंग करते जाओगे, तो ये फ़ायदा की जगह बहुत बड़ा नुकसान है। अगर किसी को मैथ आता है, अगर आपको गणित आता है, अगर आपको मैथ्स आता है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा बर्निंग किया जाता है, तो इस ऐसा एक कॉइन का जो है टोटल मार्केट कैप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो फ़ायदा नहीं, वो नुकसान वाला काम है। इधर से होल्डर्स भी इंक्रीज होना है और उधर से बर्निंग भी होना है। और जितना तेज़ी से लोग जो है एक अफवाह फैलाते हैं कि बर्निंग चाहिए, बहुत सारा यूट्यूबर्स है, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। बेबी डोज कॉइन को लेके मैंने बनाया कि बेबी डोज कॉइन का जितना भी जीरोज है, क्या उन जीरो सभी किल होना इंपॉर्टेंट है, और क्या यहाँ पे बर्निंग उतना ज़्यादा मैटर करता है। अब जो जो लोग यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको भी आप देख लेना उस वीडियो में। मैं उस वीडियो में उनको एक मतलब ट्रोल नहीं बोल सकते, मतलब वो जो मैथ कर रहे हैं, वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको मैं गलत साबित करने वाला हूँ। तो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लगा के रखना है, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। बेबी डोज कॉइन के रिगार्डिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उस पर्सन के रिगार्डिंग है, और जो जो लोग इसके बारे में बात कर रहे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग चाहिए, उनके रिगार्डिंग है। तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर चेकआउट करना। तो यहाँ पे उस लेवल का बर्निंग नहीं चाहिए, यह अफवाह है। सबसे इंपॉर्टेंट है होल्डर्स, एक प्रोजेक्ट का, एक कॉइन का अगर होल्डर्स इंक्रीज होंगे, तो इसी के साथ साथ उसका मार्केट कैप इंक्रीज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मार्केट कैप इंक्रीज होना। अगर होल्डर्स इधर से इंक्रीज नहीं हो रहे और उधर से क्वाड्रिलियन में बिलियन में बर्निंग हो जा रहा है, तो एक कॉइन का मार्केट कैप जो है वो घट जाएगा। इस चीज़ों को आप समझना होगा। इसको बेबी डोज कॉइन जो है वो भी एक वायरल कॉइन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है मतलब इसको फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे शिबा इनू का, अगर हम ट्विटर में देखें तो 3.6 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर हम बेबी डोज कॉइन का देखें यहाँ पे तो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है। तो इन कॉइन्स का वायरलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, इस चीज़ को आप समझना होगा। और आने वाले टाइम में ये इतना ही नहीं रहेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट में, तो डोज कॉइन के मतलब डोज कॉइन को जो है उसको भी क्रॉस कर चुका है यहाँ पे शिबा इनू फॉलोअर्स के मामले में ट्विटर पे। तो आने वाले टाइम में ये कॉइन जो है धमाल कमाल करेंगे, तो इसीलिए ये कॉइन जो है आपका पोर्टफोलियो में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद का बाद आपका रिसर्च है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो एनालिसिस करता हूँ, जो डिटेल मैं रीडिंग करता हूँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ। आप अपना खुद से रिसर्च करना, फिर जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोचना। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे जो इन कॉइन्स का, देखिए प्राइस कम है इसीलिए सप्लाई ज़्यादा है। शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है पॉइंट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम डॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5.0 है,
पांच जीरो नहीं, आप यहाँ पे चार जीरो पकड़ सकते हैं क्योंकि एक जीरो किल होता है फिर ऐड होता है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद चार जीरो है, इसका प्राइस कम है इसलिए सप्लाई ज्यादा है। बेबी डोजकॉइन का यहाँ पे प्राइस कम है या इसलिए इसका सप्लाई ज्यादा है। अगर जिन कॉइन में अगर आप सैंडबॉक्स माना या इथेरियम बीटीसी जाएंगे उनमें अगर आप हजार रुपए का खरीदारी करेंगे तो आपको कितना कॉइन मिलेगा, दो तीन चार कॉइन। लेकिन इनमें अगर हजार रुपए का खरीदारी करेंगे आप तो आपको करोड़ों कॉइन मिल रहा है। मतलब आप पैसा देके, कम पैसा देके यहाँ से ज्यादा सामान उठा रहे हो, इन कॉइन्स का सप्लाई में से ज्यादा लेके जा रहे हो, सप्लाई घटा रहे हो आप। इन कॉइन्स में अगर बाय करोगे तो आप सप्लाई घटा रहे हो, सप्लाई लेके जा रहे हो अपना, मतलब आपका वॉलेट में लेके जा रहे हो। वो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड नहीं होगा। हाँ, टोटल सप्लाई में ऐड होगा लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई में यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अगर आप उसको लेके कोई आप दूसरा मतलब कोल्ड वॉलेट में लेके जाते हो तो एक्सचेंजेस पे है तो कहीं ना कहीं वो ऐड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है होल्डर्स इन्वेस्टर्स। और इन कॉइन्स में बेबी डोज कॉइन, शिबा इनू या बिटकॉइन जैसा कॉइन में अगर हम बात करें, इनका प्राइसेस काफ़ी कम है इसीलिए इनमें काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स है और इन्हीं होल्डर्स के वजह से आने वाले टाइम में हमको इनका कॉइन कॉइन्स का प्राइस जो है वो इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। शिबा इनू कॉइन का प्राइस हमको आने वाले टाइम में डैम श्योर जो है वो 1 रुपीज जाते हुए देखने को मिल सकता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा इसका प्राइस 1 पैसा तक जाके आ चुका है। तो आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और इसका प्राइस जो है वो भी रॉकेट हो जाएगा। सेम बेबी डोज कॉइन की भी तरह है, बेबी डोज कॉइन को हमको 1 रुपये में जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जीरोस है। 1 रुपए 1000 में आपको 200 कितना कॉइन मिल जा रहा है, 200 कितना करोड़ कॉइन मिल जा रहा है। तो यहां से अगर 2-3 जीरो भी किल करेगा तो आपको करोड़ों का रिटर्न देगा। सेम बिटगट की तरह भी ऐसा है। तो इसीलिए इस बात को समझिए, इन कॉइन्स का सप्लाई ज्यादा है इसीलिए इन कॉइन्स का प्राइस भी लो है। और इन कॉइन्स में जो है अभी इन्वेस्टर्स और होल्डर्स का आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन कॉइन्स में है वो चीज़। अगर होल्डर्स इंक्रीज नहीं होंगे, वायरलिटी इंक्रीज नहीं होगा और इधर से सिर्फ बर्निंग किया जा रहा है तो एक कॉइन जो है वो फायदा के जगह नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आया, मैं समझा पाया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। Fearless.